मेरे प्यारे देशवासी, सारे देशवासी, मेरा आपको प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। क्या बोलूं, आज 18 मार्च 2021 है। आज ही के दिन मेरी ये छोटी बेटी श्वेता आनंद, जिसे हम घर पर प्यार से जोनू बोलते हैं, जन्म हुआ था। आज इसका जन्मदिन है। घर में सब प्यार भरी बातें हैं, एक वातावरण है घर में, ऐसा लगता है ये इसने आज ही जन्म लिया है। और वो बड़ा मेरा संघर्ष काल था जब ये पैदा हुई थी। भागम भाग लगी रहती थी। मैंने अपने तीनों बच्चों को ऐसे देखा है, लेते हुए ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा। आया घर में, थोड़ी देर रहा, फिर भाग गया। एक एक दिन में मेरे लगभग आधा हिंदुस्तान भी घूमना पड़ता था। मुझे दिल्ली से बम्बई गया, बम्बई से बेंगलोर, बेंगलोर से मैसूर, फिर मैसूर से बेंगलोर, बेंगलोर से बम्बई और बम्बई से दिल्ली, ये भी मेरा रहा। ऐसे ही रहा बम्बई, दिल्ली से बम्बई, बम्बई से मद्रास, जिसे अब चेन्नई बोलते हैं, फिर चेन्नई से बम्बई और बम्बई से दिल्ली, ये भी रहे। फिर आया, फिर कवि सम्मेलनों में, जो मेरा असली आत्मिक खेल है, जिसे मैं करता रहा हूँ, जहाँ से ये सब जीवन का चक्र चला है आगे, जिसने ये पहिया आगे बढ़ा, तो मैं उसमें चला जाता था। बच्चों पर मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता था। हाँ, इनकी परवरिश के लिए ध्यान जरूर रहता था, मतलब इनको अच्छे स्कूल मिले, अच्छी परवरिश हो, इस बात का मुझे ध्यान रहता था। कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिलता था। एक बार मैं लखनऊ से आ रहा था, अगले दिन नागपुर जाना था, वो फ्लाइट लेट हो गई थी, 4 घंटे लेट थी। उस बीच में मैं घर आया बच्चों को देखने के लिए, देखकर और देखा गर्मी बहुत है, तो इनके लिए कूलर लगवा के गया था। मैं किराए का कमरा था वहाँ से मैं फिर भाग के पालम गया, पालम से फिर हम लोग नागपुर गए। वो भी फ्लाइट याद रहेगी, उसमें जितनी भी एयर होस्टेस थी वो ट्रेनिंग ले रही थी। तो उस फ्लाइट में कौन कौन था ये भी मुझे ध्यान नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कवियों में अब तो सिर्फ सुरेंद्र शर्मा ही रह गए जो उस फ्लाइट में मेरे साथ गए थे। आज जो है बहुत सारी बातें याद आ रही हैं उन दिनों की। अब तो ये बड़े हो गए हैं, मुझे समझाते हैं, डैडी ये मत करो, डैडी ये करो, डैडी ये करो। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आज ये मेरे गुरु हो गए, हर चीज़ इनसे सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि आज का ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है भाई। मैं जैसे संघर्ष किया आज भी कर रहा हूँ, और मुझे संघर्ष करने में मज़ा आता है। संघर्ष करने से, जैसे आप दही को मथते हैं ना, उसमें से मक्खन निकलता है, ये संघर्ष जीवन के लिए मथनी का काम करता है। आप जो है, सबसे मेरी निवेदन है, संघर्ष से कभी मत घबराना। हमारे यहाँ तो भीष्म पितामह हुए, भीष्म पितामह से प्रेरणा लो, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो, सत्य का साथ दो। लेकिन वो भी क्या करते, उन्हें राजधर्म भी निभाना था और सत्य का भी, तो इस तरह के थे। लेकिन ऐसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से चक्र उठवा लिया, अपना वो पहिए को ही चक्र समझ के उन्होंने पहिया ले लिया था
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं इन बच्चों को भी कहता हूँ, बेटे कभी घबराना नहीं। मेरे पर बहुत सारी अंदर मेरे कितनी पीड़ाएं हैं, कितने दर्द हैं, मैं किससे जाके कहूँगा, किसी से नहीं कहूँगा, अपने दर्दों से अपने आप लड़ूंगा, हमेशा लड़ता रहा हूँ, हमेशा लड़ता रहूँगा। मुझे जनता का बहुत प्रेम मिला है, उन्होंने मुझे बहुत संबल दिया है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, जिससे मैं इस जीवन के संग्राम में हमेशा एक तरह से विजित होकर ही निकला हूँ, विजेता हूँ। आपकी बदौलत आप मुझे मुझे दिलाते रहे हैं आप ही। अब शरीर जरूर क्षीण हो रहा है लेकिन इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। आज भी मैं अपने परम पूज्य भीष्म पितामह जी को सर नवा के धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इच्छा शक्ति की और एक अग्नि मेरे अंदर भड़काएं ताकि मैं इन संघर्षों से हमेशा लड़ता रहूँ, हमेशा लड़ता रहूँ, हमेशा लड़ता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।